Hello, 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 hello. I think it's live. Yes. Okay. Good morning, Dharmendra. Good morning, Satyam. Good morning, everyone. कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फटाफट से कंफर्म कर दो. ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड मॉर्निंग हिमांशु, गुड मॉर्निंग गुंजन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आदित्य. ऑल क्लियर? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? गुड मॉर्निंग धारवी, जल्दी से आ जाओ फटाफट से. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ऑल क्लियर. ओके ओके, यस. हाय गोयल, ऑल राइट, ठीक है. गुड मॉर्निंग सोनाली, गुड मॉर्निंग शिवम, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. अच्छा जी, चलो. हाँ जी, अभी तक क्या हो चुका है? अभी तक हम कौन कौन से चैप्टर्स कर चुके हैं आप सबको पता है. आई गेस आपने क्या कर लिया होगा, आपने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली होगी. आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज सब्सिडियरी बुक्स. सब्सिडियरी बुक्स आज हम शुरू करने वाले हैं. हाँ जी, सब तैयार हैं? शुरू कर सकते हैं? बोलो 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 फटाफट से. ऑलरेडी? यस. गुड मॉर्निंग आशुतोष, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी से आ जाओ. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. तो देखो यार, देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे. सब्सिडरी बुक्स आज शुरू करने वाले हैं, ठीक है? यस सर. ओके ओके. गुड मॉर्निंग स्नेहा, गुड मॉर्निंग कोमल, गुड मॉर्निंग विष्णु. चलो, अब आई गेस सारे बच्चे आ चुके हैं, तो अब हम शुरू कर सकते हैं, राइट? देखो देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सारे के सारे. हाय हर्षित, हाय हेलो, गुड मॉर्निंग वैभव. देखो भाई देखो, आ जाओ आ जाओ, शुरू करते हैं, ठीक है? बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से शुरू करेंगे. देखो, ऑल राइट, सब्सिडरी बुक्स. देखो मेरी बात सुनो, अभी तक आपने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहला जो अकाउंटिंग प्रोसेस में फेस था, जो हमारा पहला स्टेप था, वो था जर्नल. क्या था? जर्नल. ऑल राइट, बिल्कुल था सर. जर्नल हमने पढ़ा भी था कि जर्नल एंट्रीज क्या होती है, सब कुछ हमने पढ़ा था. हाँ जी, अब देखो जर्नल में आपने क्या पढ़ा था कि यार जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस में, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है, वो सारी की सारी आप क्या करते हो, जर्नल की बुक में रिकॉर्ड कर लेते हो. बिल्कुल सही बात है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, बिल्कुल सही बात है. तो क्या होता था, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है, बेशक वो कैश की ट्रांजेक्शन्स हो, बेशक वो सेल्स की ट्रांजेक्शन्स हो, बेशक वो परचेज की ट्रांजेक्शन हो, सारी ट्रांजेक्शन एक ही जगह आपने रिकॉर्ड कर दी. सही है. अब मुझे एक बात बताओ, अब खुद सोचो, अगर बिजनेस मान लो आपका बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा मतलब आपका बिजनेस रिलायंस हो जाए, अगर टाटा की बात करते हैं तो कितने बड़े बिजनेस हैं, मतलब एक एक दिन में लाखों ट्रांजेक्शन्स. यस और नो? लाखों से ज़्यादा ट्रांजेक्शन एक दिन में. अब एक दिन में अगर इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही है और उसको आप जर्नल में ही रिकॉर्ड करते रहोगे, तो कितना खराब हो जाएगा. खराब मतलब कि सर इतनी मोटी जर्नल बन जाएगी, सारी की सारी ट्रांजेक्शन एक ही जगह पे रिकॉर्ड कर रहे हो. ये सुनो, आपको डेटा निकालने में बहुत दिक्कत होगी. क्या होगी? डेटा निकालने में बहुत दिक्कत होगी. तो क्या होता है, जब आपका बिजनेस एक लेवल जितना हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस केस में क्या होता है, देखो उस केस में क्या करेंगे हम. आप देखते हो कि मेरी सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स क्या है. क्या देखते हो आप? ये देखते हो कि यार मैं एक दिन में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शंस किस चीज की कर रहा हूं. आप मुझे खुद बताओ. चलो एवरीवन, यस, गुड मॉर्निंग सौरभ, गुड मॉर्निंग मोहिनी. मुझे खुद सोच के बताओ, अगर आप किसी भी चीज का बिजनेस कर रहे हो, मतलब मान लो आप शूज बेचने का बिजनेस कर रहे हो. क्या कर रहे हो? शूज बेचने का बिजनेस कर रहे हो. तो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शंस एक दिन में किस चीज की होगी? हाँ जी एवरीवन, धारवी आई ट्राई, मंडे से ट्राई करूंगा, ठीक है? गुड मॉर्निंग प्रिया, जल्दी से मुझे बताओ एक दिन में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन किस चीज की होगी? सर ऑब्वियस सी बात है, एक तो हमारी सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगी परचेजेस की. किसकी होंगी? परचेजेस की. सर परचेजेस मतलब, अरे जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो उसको खरीदने और बेचने की. बोलो हाँ या ना? गोयल ने बिल्कुल सही बोला, सबने बिल्कुल सही बोला, शिवम, हर्षित. सर सेल्स और परचेज की, सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शंस आपकी किसकी हो जाएंगी? सेल्स और परचेज की. कि भाई आपने शूज खरीदे, आपने शूज बेचे, सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन तो यही होने वाली है. बिल्कुल सही. तो आपने सोचा
कि यार इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स परचेजेस की है, इतनी सारी ट्रांजेक्शन सेल्स की है, तो क्यों ना मैं इनको अलग अलग रिकॉर्ड कर लूँ। सर अलग अलग मतलब अब आप सोच रहे हो कि यार ऐसा करते हैं जो हमारी जर्नल है, जो हमारी एक बुक है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मतलब परचेज की ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक में। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? एक परचेज की बुक में अलग से बना लेता हूँ। यार जब इतनी सारी ट्रांजेक्शन परचेजेस की है तो क्यों ना मैं परचेजेस को अलग से रिकॉर्ड कर लूँ। सही बात है। फिर अगर सारी ट्रांजेक्शन, बहुत सारी ट्रांजेक्शन अगर आपकी सेल्स की है तो क्यों ना आप सेल्स बुक ही बना लो, जिसमें आप क्या रिकॉर्ड करोगे, जिसमें आप सेल्स की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे। फिर आपने देखा कि यार बहुत सारी ट्रांजेक्शन ना मेरी कैश की भी है। किसकी है? कैश की। कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है। तो आपने सोचा ऐसा करते हैं कैश की भी एक अलग बुक बना लेते हैं। क्या बोला आपने? कैश की भी अलग एक बुक बना लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो आप क्या कर रहे हो? आप बेसिकली अपने काम को डिवाइड कर रहे हो। जर्नल में जो आप काम कर रहे थे उसको डिवाइड कर रहे हो, डिविजन ऑफ वर्क, परचेज बुक, सेल्स सेल्स बुक, कैश बुक। तो इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? जब आप जर्नल को आगे डिवाइड कर देते हो, डिवाइड कर दिया, जिसमें आप डिवाइड कर रहे हो उसको हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक्स। देखो जब आपका बिजनेस छोटा होता है, अभी आपने बिजनेस जस्ट चालू किया है, छोटा बच्चा है आपका बिजनेस, क्या है? छोटा बच्चा। तो उसमें तो आप क्या करते हो, सारी ट्रांजेक्शन्स आप जर्नल में रिकॉर्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होती नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है, आपका बिजनेस बढ़ता है, तो फिर आपको दिखता है कि यार बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही है और जर्नल को मेंटेन करना दिक्कत हो रहा है। क्या हो रहा है? जर्नल को मेंटेन करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो फिर आप क्या करते हो? फिर जर्नल को छोटे 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 पार्ट में डिवाइड कर देते हो कि भाई परचेज वाली परचेज में, कैश वाली कैश में, सेल्स वाली सेल्स बुक में। और मान लो अभी और भी बुक्स होंगी, और भी बुक्स हम बनाएंगे, लेकिन बिजनेस में मेजर ट्रांजेक्शन्स, सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स तो यही होती है, परचेज बुक, सेल्स बुक और कैश बुक। येस और नो? एवरीवन सही बोल रहा हूँ मैं? बोलो बोलो बोलो, कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने? जल्दी से मुझे बताओ, लेजर और सब्सिडरी बुक्स में क्या डिफरेंस होता है, वो मैं भी डिस्कस करूंगा बेटा। बहुत डिफरेंस होता है। क्या बोला मैंने? बहुत डिफरेंस होता है। सब्सिडरी बुक्स, अभी आ रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो? रुक जा, शांति। देखो भाई देखो, अब हमने क्या बोला? सर जैसे ही मैंने आपको बोला कि परचेज की ट्रांजेक्शन अलग बुक में रिकॉर्ड कर लो, तो आपके दिमाग में क्या हुआ? सर ये तो हम परचेज अकाउंट में करते हैं ना, हम परचेज अकाउंट में परचेज की ट्रांजेक्शन्स को अलग ही रिकॉर्ड करते हैं। अब मेरी बात सुनो, जो सब्सिडरी बुक्स है, ठीक है, सब्सिडरी बुक्स में आप क्या कर रहे हो? सब्सिडरी बुक्स में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग तो जर्नल में, बेटा जर्नल के ही तो छोटे छोटे बच्चे हैं ये, हाँ है ना, ये काम तो जर्नल का ही कर रहे हैं, ये जर्नल ही है। तो परचेज बुक में, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप कैश बुक बना रहे हो, क्या बना रहे हो? कैश बुक। तो मुझे सोच के बताओ आराम से, कैश बुक में जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सारी रिकॉर्ड होंगी, हाँ या ना भाई? कैश की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सारी आप कैश में रिकॉर्ड करोगे। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब सर, परचेज की जो कैश वाली ट्रांजेक्शन्स हैं, ध्यान से मेरी बात सुनो, जो आप कैश में परचेज कर रहे हो, अब मुझे बताओ, अगर आप कैश में परचेज कर रहे हो तो फिर तो लड़ाई हो जाएगी, किस में? कैश बुक में भी और परचेज बुक में भी। परचेज बुक क्या बोलेगा? अरे मैं परचेज की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा। कैश बुक क्या बोलेगा? अरे कैश ट्रांजेक्शन है तो किस में रिकॉर्ड होगी? कैश में। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो कि बेटा जो कैश की ट्रांजेक्शन है वो हमेशा हमेशा किस में रिकॉर्ड होती है? कैश बुक में। किस में? कैश बुक में। सारी कैश की ट्रांजेक्शन्स किस में रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक में। विच मीन्स कि परचेज बुक में सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट परचेजेस। कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट परचेजेस। क्यों? क्योंकि कैश वाली ट्रांजेक्शन्स तो कैश बुक में चली गई ना, हाँ या ना? सिमिलरली जो सेल्स की ट्रांजेक्शन्स होंगी, तो कैश सेल्स तो कहाँ चली जाएंगी? कैश बुक में। इसका मतलब जो क्रेडिट सेल्स होंगी, क्या होंगी? जो क्रेडिट सेल्स होंगी वो कहाँ रिकॉर्ड करोगे आप? वो आप रिकॉर्ड करोगे सेल्स बुक में।
कहाँ पे? सेल्स बुक में। और जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर तो परचेज अकाउंट में और परचेज बुक में क्या डिफरेंस है, बेटा परचेज अकाउंट में सारी ट्रांजेक्शन आएंगी, कैश वाले ट्रांजेक्शन भी और आपकी क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन भी। परचेज अकाउंट में परचेज की सारी ट्रांजेक्शन वहां पे आती है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ परचेज बुक की, किसकी बात कर रहा हूँ, परचेज बुक की, तो वहां पे आप सिर्फ क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, वहां पे आप सिर्फ क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रिकॉर्ड कर रहे हो। रिकॉर्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहां पे आप पहली बार ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन इसको जब आप लेजर में पोस्ट करोगे, मतलब परचेज अकाउंट में पोस्ट करोगे, क्या करोगे, परचेज अकाउंट में, तो परचेज अकाउंट में आप ये वाली क्रेडिट परचेजेस भी डालोगे और कैश परचेजेस भी डालोगे। बात समझ में आई? लेजर और सब्सिडरी बुक्स में डिफरेंस है। सर इसका मतलब मुझे एक बात बताओ सर, कैश बुक जो है, जो कैश बुक है उसमें तो मैं सारी कैश के ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बोलो हाँ या ना। सर उसमें तो आप सारी कैश के ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो फिर कैश अकाउंट में अलग क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। देखो देखो ध्यान से सोचो, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। सर ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज आती है। क्या बोला मैंने? कि परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज आती है और परचेज अकाउंट में सारी परचेज आती है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। लेकिन सर कैश बुक में तो आप सारी कैश के ट्रांजेक्शन डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो? सारी कैश के ट्रांजेक्शन डाल रहे हो, तो फिर कैश अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है, बोलो हाँ या ना। क्या मेरा क्वेश्चन सही है? सर पेटी कैश बुक, अरे हिमांशु आएंगे दोस्त, उस पर शांति। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। जब मैं कैश बुक में सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ही रहा हूं, तो फिर कैश अकाउंट की क्या जरूरत है मुझे? यस, नहीं है ना जरूरत, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि कैश अकाउंट का काम क्या होता है? सारी कैश के ट्रांजेक्शन को एक जगह पे डालना, हाँ या ना, एक ही जगह पे सारी कैश के ट्रांजेक्शन। कैश बुक भी तो वही काम कर रही है, और इसीलिए मेरे दोस्त ध्यान से मेरी बात सुनो, इसीलिए इसी रीजन के लिए बेटा जो कैश बुक है ना, कैश बुक ये बहुत ही स्पेशल बुक है। क्यों? क्योंकि ये आपका सब्सिडरी बुक में भी आता है, मतलब ये आपकी सब्सिडरी बुक भी है, आपकी सब्सिडरी बुक भी है, और आपका लेजर भी है, और ये लेजर भी है। सर क्यों? क्योंकि ये देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, सबसे पहली बार जहां पे ट्रांजेक्शन प्रोसेस होती है, पहली पहली जगह जहां ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो, उसको आप बोलते हो जर्नल या सब्सिडरी बुक्स, हाँ या ना। अगर जर्नल बना रहे हो तो जर्नल, और अगर सब्सिडरी बुक्स बना रहे हो तो सब्सिडरी बुक्स। तो क्योंकि पहली बार आप ट्रांजेक्शन कहां रिकॉर्ड कर रहे हो? सब्सिडरी बुक्स में, कैश बुक में। तो कैश बुक को आपने क्या बोला कि भाई ये सब्सिडरी बुक भी है, और क्योंकि क्योंकि कैश बुक आपके लेजर का भी तो काम कर रही है, ये कैश अकाउंट का भी काम कर रही है, तो अब जब कैश बुक बनेगी ना, तो कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए क्या बोला गया कि जो कैश बुक है वो आपकी सब्सिडरी बुक भी है और आपका लेजर भी है। आपकी सब्सिडरी बुक क्योंकि आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, और लेजर क्योंकि एक ही जगह पे आपने सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिए, तो अब कैश अकाउंट बनाने की जरूरत आपको नहीं है। तो इसीलिए सब्सिडरी भी है और लेजर भी है, और कैश बुक इसका तो सेपरेट चैप्टर है, इसका सेपरेट चैप्टर है, उसको वहां पे ध्यान से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस बुक में हम कैश बुक के अलावा और बाकी जो सब्सिडरी बुक्स है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या मेरी बात आपको यहां तक समझ में आई है? एवरीबडी जल्दी से मुझे बताओ, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है कि भाई सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, कैश बुक आपकी सब्सिडरी बुक भी है, आपका लेजर भी है, क्या यहां तक कोई दिक्कत है? स्पेशल केस है हर्षित, बिल्कुल। कैश बुक एक बहुत ही स्पेशल बुक है, इसलिए मैंने बोला कि सब्सिडरी बुक और लेजर दोनों कहा जाता है। यस एवरीवन, डाउट है कोई तो पूछो, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। क्लियर सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं कि भाई कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स आप बना सकते हो, और आपको बनानी है कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स आप बना सकते हो। अभी हमने मेन क्या बोला कि भाई क्योंकि परचेज की ट्रांजेक्शन बहुत सारी होती है तो परचेज बुक, सेल्स की ट्रांजेक्शन बहुत सारी होती है तो सेल्स बुक, कैश की ट्रांजेक्शन बहुत सारी होती है तो कैश बुक। क्या लेकिन सिर्फ तीन बुक्स होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो सबसे पहले हमने लिख दिया, क्या लिखा कि भाई परचेज बुक होती है, क्या होती है, परचेज बुक होती है,
और परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, परचेज बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेजेस। क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि कैश परचेजेस तो कहाँ रिकॉर्ड होगी, कैश परचेजेस तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। बात समझ में आती है? ठीक है, इसके बाद हमने देखा सेकंड सेल्स बुक। हमने देखा कि हम बनाएंगे कौन सी सेल्स बुक। अब जो सेल्स बुक है एवरीवन, जो सेल्स बुक है वो क्या है, कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा? क्रेडिट सेल्स। क्या है? क्रेडिट सेल्स। अच्छा ठीक है, क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स। अब मुझे एक बात बताओ, आराम से सोच के मुझे एक बात बताओ। मान लेते हैं कि आपने क्या किया है, आपका जो बिजनेस है वो शूज़ बेचने का है। एवरीबडी सब बताएंगे मुझे, मुझे एक बात बताओ। मान लेते हैं कि भाई आपका जो बिजनेस है वो शूज़ खरीदने बेचने का है, ठीक है, मेन काम आपका शूज़ बेचने का है। मान लो आपने फर्नीचर परचेज किया। क्या परचेज किया? फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर क्रेडिट पे परचेज किया। आपने कोई फर्नीचर क्रेडिट पे परचेज किया तो क्या आप उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे? एवरीबडी क्या आप उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे? साइबर लाइफ थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू। हाँ जी बोलो 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 फटाफट से बोलो, परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे क्या? जल्दी से बोलो एवरीबडी, क्या परचेज बुक में आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे क्योंकि आपने क्रेडिट में खरीदा है? हाँ बिल्कुल सही बात है, क्रेडिट में खरीदा है। सब बच्चे बोल रहे हैं सर नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा जब परचेजेस की बारी आती है, क्या बोलते हैं हम जब परचेजेस बोलते हैं, तो बेटा परचेज किस चीज़ का? परचेज गुड्स और सर्विसेज का। जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो उसको खरीदने और बेचने की बात हो रही है, जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो। अगर आपका शूज़ बेचने खरीदने का बिजनेस है तो शूज़ जब आप बेचोगे या खरीदोगे वो आएगा परचेज बुक या सेल्स बुक में, कोई एसेट नहीं। बात समझ में आ गई? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थर्ड हमने क्या बोला? थर्ड हमने बोला जो आपकी कैश बुक होती है। अब कैश बुक आपकी क्या है? लेजर भी है। क्या है? लेजर। अच्छा एवरीवन जल्दी से मुझे बताएंगे लेजर का दूसरा नाम क्या था? पढ़कर आया अभी, जस्ट अभी पढ़कर आया, कुछ टाइम पहले ही, दो दिन पहले आई गेस। लेजर का दूसरा नाम क्या था? एवरीवन जल्दी से मुझे बताओ लेजर का दूसरा नाम क्या था। जल्दी जल्दी जल्दी। देखो जर्नल को क्या बोलते थे? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि पहली बार उसको वहीं पे रिकॉर्ड करते थे। बच्चों ने बोला प्रिंसिपल बुक। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेकेंडरी बुक, प्रिंसिपल बुक, राइट। तो कैश बुक जो आपकी है ये सारी कैश की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है, सारी की सारी कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन्स, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? कैश ट्रांजेक्शन्स। तो मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि कैश बुक जो है वो आपकी जर्नल भी है, मतलब आपकी सब्सिडरी बुक भी है, और वो प्रिंसिपल बुक भी है। बात समझ में आती है? ठीक है, इसके अलावा और कौन सी ट्रांजेक्शन्स हो सकती है? मान लो आपके बिजनेस में जब आप गुड्स खरीदते हो तो बहुत बारी रिटर्न भी करते हो, मतलब परचेज रिटर्न की ट्रांजेक्शन्स भी बहुत होती है। आपके बिजनेस में आप जब गुड्स बेचते हो तो रिटर्न आता भी बहुत है, सेल्स रिटर्न वाली ट्रांजेक्शन्स होती है। बोलो हाँ यार। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे अमेजोन वगैरह है, वहाँ से अगर आप शॉपिंग करते हो या आप कहीं से भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो कई बार होता है ना कि आपने गुड्स खरीदे, पसंद नहीं आए तो बेच दिए, यस नो। तो अब सोचो अमेजोन का तो कितना सारा रिटर्न आता होगा, मतलब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बहुत सारा होता होगा। तो अगर आपके बिजनेस में रिटर्न की ट्रांजेक्शन भी बहुत सारी होती है, तो आप क्या करते हो? आप बुक्स बनाते हो परचेज रिटर्न बुक। कौन सी बुक बनाते हो? परचेज रिटर्न बुक। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, परचेज रिटर्न बुक का दूसरा नाम क्या था? हाँ जी भाई पता होने चाहिए, डिस्कस किया था हमने परचेज रिटर्न को, और हम क्या बोल सकते हैं? बोलो फटाफट से क्या बोलते हैं भाई, मुझे आंसर चाहिए, बताओ मुझे। गोयल ने बोला सर रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोला? सर रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा, सब ने बोला सर रिटर्न आउटवर्ड, सबने बोला रिटर्न आउटवर्ड। जब आप परचेज रिटर्न करते हो तो क्या बोलते हो? रिटर्न आउटवर्ड। तो मैं परचेज रिटर्न बुक बोलूं या फिर मैं बोलूं रिटर्न आउटवर्ड बुक, एक ही बात है। अच्छा ठीक है, अब मुझे सोच के बताओ एवरीवन, मुझे सोच के बताओ, आपने कुछ गुड्स खरीदे लेकिन कैश में, किस में? कैश में खरीदे हैं, और वही गुड्स आपने वापस भी कर दिए,
क्या बोला मैंने, आपने शूज खरीदे, आपका बिजनेस शूज का है, आपने शूज खरीदे किसमें, कैश में, और वो आपने क्या कर दिए, रिटर्न भी कर दिए, तो रिटर्न हो गया। इसको हम परचेज रिटर्न बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। मुझे बताओ क्या आप ये परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करोगे, येस और नो, बोलो फटाफट से बोलो, क्या आप इसको परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करोगे, एवरीबडी जल्दी से मुझे बताओ करेंगे क्या, बोलो भाई परचेज रिटर्न तो है ही ना, हाँ या ना, परचेज रिटर्न तो हुआ ही है। अब सब बच्चे बोल रहे सर नहीं करेंगे, स्मार्ट बच्चे है ना, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बात ये कौन सी ट्रांजेक्शन हो गई, कैश ट्रांजेक्शन। आपने जब कैश परचेज किया होगा, जब कैश परचेज किया होगा तो कहाँ रिकॉर्ड किया होगा, कैश बुक में, और जब उसको रिटर्न किया कैश ही मिलेगा ना वापस, तो वो भी क्या है, कैश ट्रांजेक्शन है। तो कैश ट्रांजेक्शन कहाँ आती है, कैश बुक में, विच मीन कि परचेज रिटर्न बुक में भी आप सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो, क्रेडिट रिटर्न, जो कौन सी होंगी, जो आपने क्रेडिट पे परचेज करी होगी और जब आप वापस कर रहे हो तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे, परचेज रिटर्न में। बिल्कुल सही शब ने बिल्कुल सही बोला, ओनली क्रेडिट परचेज रिटर्न, ओनली क्रेडिट परचेज रिटर्न। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब सिमिलरली और कौन सी बुक हो सकती है सर, और हो सकती है हमारी सेल्स रिटर्न बुक। जैसे आपने परचेज रिटर्न बनाई है वैसे ही कौन सी हो सकती है, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक का दूसरा नाम क्या था, हाँ जी, सेल्स रिटर्न को हम और क्या कह सकते हैं, बोलो फटाफट से, रिटर्न इनवर्ड, बिल्कुल सही। तो सेल्स रिटर्न बोलो या रिटर्न इनवर्ड बोलो, है ना, आपने कुछ बेचा और वो आपके पास वापस आ गया, इनवर्ड, दैट इज सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, बिल्कुल सही। सिमिलरली मान लो आपने कुछ कैश में बेचा, आपने कैश सेल्स करी है और वो अगर आपके पास वापस आ रहा है, कैश सेल्स करी थी और आपके पास वापस आ रहा है, तो क्या वो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा, हाँ जी, क्या वो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा, नहीं सर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो भी तो कैश ट्रांजैक्शन है। अगर आपने कैश सेल्स करी तो कैश ट्रांजैक्शन, कैश बुक, और अगर वो सेल्स रिटर्न आपके पास आ रहा है तो बेटा पैसे ही तो वापस करोगे आप, उनको कैश ही तो वापस करोगे, तो वो भी नहीं, तो इसीलिए सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल्स रिटर्न। तो जो सेल्स आपने किस में की थी, क्रेडिट में की थी, उधार पे जो आपने सामान बेचा था, वो अगर आपका रिटर्न आ गया, वो रिटर्न आ गया, दैट इज क्रेडिट सेल्स रिटर्न, ठीक है। और कौन सी बुक होती है भाई, और कौन सी बुक होती है, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, अब दूसरी जो बुक होती है, सिक्स्थ बुक, वो होती है आपकी बिल्स रिसीवेबल बुक। क्या होती है, बिल्स रिसीवेबल बुक, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल बुक कभी एग्जाम में बनाने के लिए आई नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, हाँ जी। किस किस बच्चे को पता है कि बिल्स रिसीवेबल का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है, इलेवेंथ में किस किस ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, मुझे तो नहीं लगता बहुत ज़्यादा बच्चों ने पढ़ा था क्या, हाँ जी। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है जल्दी से मुझे बताओ, हर्षित कह रहे सर मैंने तो पढ़ा था, बिल्कुल हर्षित ने तो मुझसे ही पढ़ा था, मुझे पता है हर्षित ने मुझसे पढ़ा था, जल्दी से मुझे बताओ सत्यम, अगर आप सीए फाउंडेशन की बात कर रहे हो तब भी हाँ आ सकते हैं, ट्वेल्थ की बात कर रहे हो तब भी आ सकते हैं, इलेवेंथ की बात कर रहे हो तब भी आ सकते हैं, हाँ जी बताओ बताओ। आदित्य ने बोला है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, क्या बात कर रहे हो भाई, क्रेडिट सेल व लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ा था, याद नहीं है, अब मेरी बात सुनो, याद नहीं है सर, टॉपिक था लेकिन पढ़ा नहीं था, अरे बहुत बढ़िया। देखो बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, एक बार मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा कि बिल्स रिसीवेबल बुक में आप क्या रिकॉर्ड करते हो। देखो मान लो, एक बार फटाफट से देख लो, मान लो ये आप हो, ठीक है, कौन हो आप हो, ठीक है, मान लेते हैं किसी का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट, मान लो ये शब गोयल है, शब, ओके शब, ठीक है, ये कौन है, शब गोयल, ओके। अब ये कौन है, ये इनका काम है शूज बेचने का, किसका काम है, शूज बेचने का काम है ऑलरेडी, ठीक है। तो इन्होंने कोई सेल करी, किसको करी, ठीक है, ये कस्टमर इनके पास आया, इन कस्टमर का नाम था पिंकू, क्या नाम था, पिंकू, ऑल राइट, पिंकू नाम था, क्या नाम था, पिंकू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पिंकू ने कहा कि प्लीज़ मुझे गुड्स दे दीजिए, मतलब मेरे को शूज़ खरीदने हैं, तो पिंकू ने कुछ शूज़ खरीदे, कितने के, 10,000 रुपीज़ के। अब पिंकू ने 10,000 रुपीज़ के शूज़ खरीदे, अब आप तो खुश हो गए कि चलो भाई 10,000 रुपये की सेल हो गई, लेकिन पिंकू ने बोला
कि यार दोस्त मेरे पास आज पैसे नहीं है, क्या मैं आपको पैसे एक महीने बाद दे दूं? क्या बोला पिंकू ने कि मेरे पास आज पैसे नहीं है, क्या मैं आपको पैसे एक महीने बाद दे सकता हूं? अब प्रॉब्लम पता क्या है कि जो शब है वो पिंकू को नहीं जानता, शब पिंकू को नहीं जानता, पिंकू उसका कोई दोस्त वोस्त नहीं है। तो शब सोच रहा है कि यार अगर ये शूज़ लेके भाग गए तो सही बात है भाई, आप जानते नहीं हो तो उसको आप कैसे उधार भी सामान दे दोगे। करेक्ट है। तो फिर आपने क्या सोचा, यार देखो अगर मैंने इसको मना कर दिया तो मेरे 10,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा भाई, सेल हो रही है 10,000 रुपये की। तो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, एक डॉक्यूमेंट बनाते हो, आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट में आप क्या लिखते हो, इस डॉक्यूमेंट में आप लिखते हो कि सुनो मैं इसमें लिख रहा हूँ कि पिंकू जो पिंकू है वो पिंकू जो है मुझे एक महीने बाद 10,000 रुपये पे करेगा। किसने लिखा, शब ने, जो सेलर है, ठीक है, उसने क्या लिखा कि पिंकू मुझे एक महीने बाद, ठीक है, 10,000 रुपये पे करेगा। शब इसमें साइन कर देगा, शब ने साइन कर दिए और उसके बाद ये बिल किसको दे दिया, पिंकू को, ये डॉक्यूमेंट पिंकू को दे दिया और पिंकू को कहा कि सुनो इसको तुम एक्सेप्ट कर लो, क्या कर लो, इसको तुम एक्सेप्ट कर लो, इस पे अपने सिग्नेचर कर दो। अच्छा, जैसे ही पिंकू उस पे एक्सेप्टेड लिखता है, जैसे ही पिंकू उस पे साइन करता है, तो अब ये क्या बन जाता है दोस्त, ये लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि अब अगर इन केस पिंकू ने पैसे नहीं दिए तो शब उस पे केस कर सकता है, उससे वो पैसे रिकवर कर ही लेगा। ये बात समझ में आती है। तो ये जो अब डॉक्यूमेंट बनाया था शब ने, ये डॉक्यूमेंट शब के लिए क्या हो जाता है, बिल्स रिसीवेबल, क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बात समझ में आई। तो बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या है कि एक डॉक्यूमेंट बनाया सेलर ने, ठीक है, उस पर सब कुछ लिख दिया और जो बायर है उसने उसको एक्सेप्ट कर दिया। तो अब जो ये 10,000 रुपये हैं ये अब शब को मिल जाएंगे, एक उसको श्योरिटी हो गई है, क्या हो गई है, श्योरिटी हो गई है। क्यों, क्योंकि आपने एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाया, इस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते थे, इसी डॉक्यूमेंट को हम बोलते थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या बोलते थे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो शब के लिए क्या है ये, बिल्स रिसीवेबल, क्या है, बिल्स रिसीवेबल। तो अगर आपके बिजनेसेस में ऐसे बिल्स रिसीवेबल बहुत सारे आप बनाते हो, क्या बनाते हो, बहुत सारे बिल्स रिसीवेबल अगर आप बनाते हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, बिल्स रिसीवेबल बुक मेंटेन कर सकते हो। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है एवरीबडी, बताओ फटाफट से, बिल्स रिसीवेबल का मतलब समझ में आ गया, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर हुआ, यस, समझ में आ गया ठीक है ठीक है ठीक है। तो सिमिलरली ना दोस्त एक बुक और बनती है, देखो देखो ध्यान से देखो, एक बुक और बनती है सेवेंथ, और उस बुक का नाम है बिल्स पेबल बुक, क्या है, बिल्स पेबल बुक। अब देखो देखो मुझे एक बात बताओ, आराम से सोच के मुझे एक बात बताओ कि जो पिंकू था, पिंकू ने 10,000 रुपये पे करने थे, बोलो हाँ या ना, पिंकू ने 10,000 रुपये पे करने थे। तो जब पिंकू ने ये बिल एक्सेप्ट किया, ये डॉक्यूमेंट जब उसने एक्सेप्ट किया, तो अब ये 10,000 रुपये को वो क्या बोलेगा, मेरे लिए बिल्स पेबल है। ऑफकोर्स भाई पिंकू के लिए क्या हो गया, पिंकू के लिए ये बिल्स पेबल हो गया। तो अगर मान लो कि अब आपने कुछ गुड्स परचेज करे, और आपने बिल पे साइन कर दिया, सेलर ने बिल बनाया और आपने उस पे साइन कर दिया, तो आपके लिए वो क्या हो गया, बिल्स पेबल, क्या हो गया, बिल्स पेबल। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्या हो गया, बिल्स पेबल। तो बिल्स रिसीवेबल मतलब अगर आपको पैसे मिलने होते हैं, आपने बिल बनाया है, ठीक है, तो वो आपके लिए बिल्स रिसीवेबल है। लेकिन अगर आपने कुछ सामान खरीदा, आपने परचेज किया, क्या किया, आपने परचेज किया है, बात समझ रहे हो, आपने बिल पे साइन किया, बिल एक्सेप्ट किया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बिल्स पेबल बुक, क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल बुक। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई, हाँ जी, लाइट चली गई, लाइट, बोलो फटाफट से, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल आपको समझ में आ गया, एवरीबडी जल्दी जल्दी बोलो। आगे चले, एक बुक हमारी और बच गई, देखो देखो देखो, लास्ट जितनी जो हमारी सब्सिडरी बुक्स होती है वो होती है 8, कितनी होती है टोटल सब्सिडरी बुक्स, 8 होती है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, लास्ट बुक कौन सी है, अब जो लास्ट बुक है, बुक नंबर 8,
इसको हम बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। क्या बोलते हैं? जर्नल प्रॉपर। सर समझ नहीं आया क्या होता है जर्नल प्रॉपर? सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। एक एग्जांपल, ठीक है, एक एग्जांपल है। मुझे एक बात बताओ कि अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी, अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी है और वो मशीनरी आपने उधार पे खरीदी है, वो मशीनरी आपने क्रेडिट पे परचेज करी है, तो मुझे सोच के बताओ, जो आपने ये 7 बुक्स लिखी है, 7, जो आपने 7 बुक्स लिखी है, कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? मशीनरी जो आपने खरीदी है, इन 7 बुक्स में से क्या कहीं पे वो रिकॉर्ड हो सकती है? यस एवरीवन, क्या वो कहीं पे रिकॉर्ड हो सकती है? बोलो फटाफट से। क्या आप जो आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया है, वो आप इन 7 बुक्स में से कहीं पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो? यस एवरीबडी, जल्दी से मुझे बताओ, कर सकते हैं क्या कहीं पे भी रिकॉर्ड? नहीं कर सकते उसको, हम कहीं नहीं कर सकते। देखो, ना तो वो कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश बुक में भी नहीं, ना वो परचेज है, ना वो सेल्स है, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न, ना बीपी, ना बीआर, कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब वो कहाँ आएगी? जर्नल प्रॉपर में। इट मीन्स अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन है जो ऊपर 7 बुक्स में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हो रही है, मैंने क्या बोला? अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो ऊपर 7 में से बुक में से कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हो रही है, वो आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो? वो आप रिकॉर्ड करते हो जर्नल प्रॉपर में। कहाँ रिकॉर्ड करते हो? जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, जैसे सर मान लो आपके बैड डेट्स हो गए। क्या हो गए? आपके बैड डेट्स हो गए। तो क्या बैड डेट्स ऊपर 7 बुक में से कहीं भी रिकॉर्ड होगी? नहीं होगी। आपकी डेप्रिसिएशन का जो एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन की जो रिकॉर्डिंग होती है, क्या 7 में से कहीं पे रिकॉर्ड होगी? नहीं होगी। तो ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं जो ऊपर 7 बुक में से कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती है। क्या बोला मैंने? कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो वो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? जर्नल प्रॉपर में। सिंपल सी बात, बची कुची ट्रांजेक्शन्स 7 बुक्स को छोड़ के, इन 7 बुक्स को छोड़ के जितनी भी बची कुची ट्रांजेक्शन्स हैं, वो सारी की सारी आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो? जर्नल प्रॉपर में। कहाँ रिकॉर्ड करते हो? जर्नल प्रॉपर में। बात समझ में आ गई? सत्यम दोस्त, अगर क्लास चल रही है हमारी, किस चीज़ की क्लास चल रही है? सीए फाउंडेशन की क्लास चल रही है, सब्सिडरी बुक्स की। तो दोस्त मैं आपको अभी डिसोल्यूशन तो नहीं पढ़ा सकता ना। आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे भेज सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में बच्चे आपका सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हाँ जी, बात समझ में आ गई? राइट एवरीबडी, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ क्या यहाँ तक क्लियर है? फटाफट से बोलो, चल सकते हैं हम आगे? चल सकते हैं? यस यस, चले आगे। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ जी, सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए देखिए देखिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बुक पे आ जाओ। अब हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स, कि भाई सब्सिडरी बुक्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं। अब आप खुद सोचो, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं सर, कैसे? अब देखो मेरी बात सुनो, जब आपने जर्नल को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और आपकी बहुत सारी ट्रांजेक्शन परचेजेस में हो रही है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन सेल्स में हो रही है, तो अब आप क्या कर सकते हो? अपना काम डिवाइड कर सकते हो। हाँ, या ना, मान लो पहले जर्नल सारी की सारी आप बना रहे थे, आप जर्नल बुक पूरी की पूरी मेंटेन कर रहे थे। अच्छा, अब आपको पूरी की पूरी जर्नल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया? आपने अब अपना काम डिवाइड कर दिया। क्या से सर? कैसे डिवाइड कर दिया? मान लो परचेज वाली ट्रांजेक्शंस के लिए आपने किसी और अकाउंटेंट को बोल दिया कि भैया सुनो, जितनी भी क्रेडिट परचेज होगी वो आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करना। किसी को बोल दिया सुनो, जितनी भी सेल्स की होंगी वो आप रिकॉर्ड करना, परचेज रिटर्न आप रिकॉर्ड करना, कैश की आप रिकॉर्ड करना। है ना? अब ये जर्नल में तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जर्नल तो एक ही बुक है ना। है ना, जर्नल एक ही बुक है, अब वो एक ही बंदा करेगा, करेक्ट है। लेकिन क्योंकि अब अपने अपने बुक्स को डिवाइड कर दिया है, एक बुक, 2 बुक, 3 बुक, 8 बुक्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो? अपना काम डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो पहला एडवांटेज क्या हो गया? पहला एडवांटेज हो गया डिवीजन ऑफ वर्क, राइट? सिंस इन द प्लेस ऑफ वन जर्नल देयर विल बी सो मैनी सब्सिडरी बुक्स द अकाउंटिंग वर्क मे बी डिवाइडेड अमंगस्ट अ नंबर ऑफ क्लर्क्स। ऑब्वियसली बात है, ये सुनो, आप इजिली अपना काम क्या कर सकते हो? आप डेलीगेट कर सकते हो। अब इससे क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एक ही काम कर रहे हो, है ना, अगर आप एक ही काम बार बार कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या मिल जाती है? स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। क्या मिल जाती है? स्पेशलाइजेशन। जैसे अगर मैं अकाउंट्स पढ़ाए जा रहा हूँ, पढ़ाए जा रहा हूँ, पढ़ाए जा रहा हूँ,
सुनो, तो मैं क्या होऊंगा, टाइम के साथ साथ उसमें इम्प्रूव होता जाऊंगा, इम्प्रूव होता जाऊंगा। करेक्ट बात है, राइट। अगर मैं सिर्फ क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, तो एक टाइम के बाद जाके मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहूँगा, राइट। अगर आप पूरे टाइम सिर्फ पेंटिंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, तो एक टाइम के बाद आप पेंटिंग में बहुत अच्छे हो जाओगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी अकाउंटेंट सिर्फ परचेज की ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड कर रहा है, तो यहाँ पे होगा क्या कि उससे गलतियाँ नहीं होंगी, क्योंकि उसको एक ही काम करना है और वो उस एक काम में बहुत अच्छा हो जाएगा। यस नो, वो उस एक काम में स्पेशलाइजेशन ले लेगा। तो सेकंड आपका क्या है, स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। ऑफ कोर्स भाई, क्योंकि आपने अपना काम डिवाइड कर लिया, एक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको पता है कि क्रेडिट परचेजेस मैंने रिकॉर्ड करनी है, क्रेडिट सेल्स मैंने रिकॉर्ड करनी है, कैश की मैंने रिकॉर्ड करनी है, बिल्स रिसीवेबल मैंने रिकॉर्ड करनी है, जर्नल प्रॉपर मैंने रिकॉर्ड करनी है, तो ना तो कोई कंफ्यूजन होगी। ये सुनो, काम आपका बहुत स्पीड से हो जाएगा बिल्कुल, और स्पेशलाइजेशन होगी, मतलब गलतियाँ कम होंगी। बिल्कुल सही बात है, राइट। देखो, व्हेन द सेम वर्क इज अलॉटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर वो एक ही काम बार बार कर रहा होता है, तो ही एक्वायर्स फुल नॉलेज ऑफ इट एंड बिकम्स एफिशिएंट इन हैंडलिंग इट। ऑफ कोर्स, हाँ या ना। अगर अभी देखो, अभी अगर हम देखें, मान लो अभी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि सुनो, आपको सिर्फ अकाउंट्स पढ़ना है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स पढ़ना है, तो क्या होगा, एक तो आपको मज़ा आएगा कि भाई एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है और हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने ही नहीं है, राइट। और एक टाइम के बाद आप उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, आप उसमें गलतियां बहुत कम करोगे। बात सही है, गलत है, आप ये बताओ, राइट। ठीक है सर, दस दी अकाउंटिंग वर्क विल बी डन एफिशियंटली, द अकाउंटिंग वर्क विल बी डन एफिशियंटली। बात समझ में आ गई। अब थर्ड क्या, सेविंग ऑफ टाइम। बिल्कुल सही बात है, जैसे मैंने बोला कि भाई क्योंकि आपने अपना काम डिवाइड कर दिया, है ना, जहाँ पे आप एक ही बुक मेंटेन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एक ही बुक मेंटेन कर रहे थे, अब आप क्या कर रहे हो, अब अलग अलग बुक्स मेंटेन हो रही है, मतलब एक टाइम पे एक ही दिन में सारी ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड कर सकते हो, है ना। जर्नल में तो ये बहुत दिक्कत होती थी कि भाई एक एक ट्रांजेक्शन एक ही बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने क्या कर दिया, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने अपना काम डिवाइड कर दिया, काम डिवाइड कर दिया, तो एक दिन में सारी ट्रांजेक्शंस आप इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है, राइट। देखो, वेरियस अकाउंटिंग प्रोसेसेस कैन बी अंडरटेकन साइमल्टेनियसली, यस। अब मुझे एक बात बताओ, एक तो क्योंकि आप कैश बुक बना रहे हो, तो आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप परचेज बुक बना रहे हो, तो अब परचेज अकाउंट बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सेल्स बुक बना रहे हो, तो सेल्स अकाउंट बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो डेफिनेटली जब आप सब्सिडरी बुक्स बनाते हो, तो सब्सिडरी बुक्स बनाने के लिए, सब्सिडरी बनाने से आपका टाइम बहुत बचता है, बहुत बचता है। ठीक है, फोर्थ देखो फटाफट से, फोर्थ क्या कहता है, अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, देखो मेरी बात सुनो, क्योंकि अब आप अलग अलग बुक्स बना रहे हो, अलग अलग बुक्स बना रहे हो, तो आपको पहले तो जर्नल से कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं थी, क्योंकि जर्नल में आपने सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रखी होती थी, लेकिन सब्सिडरी बुक्स में आपने अलग अलग करी है। अब मान लो अगर स्टार्टिंग में ही आपको ये जानना है कि भाई मैंने परचेज कितनी करी है, तो परचेज बुक से आपको क्रेडिट परचेजेस पता चल जाएगी। बिल्कुल सही बात है, कैश बुक से आपको अपना कैश का बैलेंस पता चल जाएगा, सेल्स बुक से क्रेडिट सेल्स पता चल जाएगी। ये सुनो, जो जर्नल में पॉसिबल नहीं था, क्या जर्नल में पॉसिबल था, नहीं, लेकिन सब्सिडरी बुक्स में तो है ना, राइट। देखो, सिंस अ सेपरेट लेजर, ठीक है, सिंस अ सेपरेट लेजर और बुक इज केप्ट फॉर ईच क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ईच ट्रांजेक्शन विल बी अवेलेबल एट वन प्लेस। करेक्ट बात है। अब फैसिलिटी इन चेकिंग, सर क्या मतलब है इसका, आपने ट्रायल बैलेंस पढ़ा है ना, आपने ट्रायल बैलेंस में क्या पढ़ा कि सर अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। बिल्कुल सही बात है। अब जब आपको गलतियां ढूंढनी होती है, जब आपको मिस्टेक्स ढूंढनी होती है, तो सब्सिडरी बुक्स में मिस्टेक्स ढूंढना आसान हो जाता है। कैसे भाई, परचेज बुक वाला परचेज की ट्रांजेक्शन चेक कर लेगा, सेल्स बुक वाला सेल्स की ट्रांजेक्शन चेक कर लेगा, तो अब आप अलग अलग बुक्स आराम से चेक कर सकते हो। जर्नल में आपको सारी ट्रांजेक्शन एक ही बारी में चेक करनी होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि चलो फटाफट से परचेज बुक एक बार चेक कर लेते हैं, सेल्स बुक एक बार चेक कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको चेकिंग में हेल्प मिलेगी। व्हेन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, करेक्ट बात है, द लोकेशन ऑफ द एरर इज फैसिलिटेटेड बाय द एक्सरसाइज ऑफ सेपरेट बुक्स।
इवन द कमीशन ऑफ एरर्स और फ्रॉड्स विल बी चेक्ड। वही बात बोल रहे हैं कि भाई जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है तो उस केस में आप मिस्टेक्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपको आसानी होगी आइडेंटिफाई करने में। क्या आपको एडवांटेजेस समझ में आ गए? मेरा एक तो गला बहुत ख़राब हो रहा है, आपको लग रहा होगा कि आवाज़ बहुत धीरे आ रही है ना। जल्दी से बताओ क्या यहाँ तक क्लियर है? यस गाइस, किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट है तो पूछ लो। नो प्रॉब्लम, यहाँ तक क्लियर है? आसान चैप्टर है, सब्सिडरी बुक्स भी इजी चैप्टर है ना। हाँ जी, बाकी लोग डाउट है तो पूछो, अगर आपको डाउट है तो फटाफट से पूछो। नहीं है गोयल, मैं गर्म पानी ही पीता हूँ दोस्त। क्लियर है? ओके 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 ओके, देखो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। अब उसने बोला डिस्टिंक्शन बिटवीन सब्सिडरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई सब्सिडरी बुक एक तरीके से क्या है, आपकी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जहाँ पे आप पहली बार ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। प्रिंसिपल बुक मतलब लेजर, लेजर में आप क्या कर रहे हो, सारी ट्रांजेक्शन एक जगह रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, ताकि आप ट्रायल बैलेंस बना सको। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब मेरी बात सुनो, देखो इन्होंने देखो यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छा सा चार्ट बना रखा है। ये चार्ट क्या, देखो उन्होंने बोला जो आपके फाइनेंशियल बुक्स हैं, इन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक आपके प्रिंसिपल बुक्स, अच्छा ठीक है, और एक आपकी हो गई सब्सिडरी बुक्स, ऑल राइट। अब प्रिंसिपल बुक्स में अगर आप देखोगे तो प्रिंसिपल बुक्स में इन्होंने दो चीज़ें लिखी है, एक तो लिखा लेजर और एक लिखा कैश बुक। क्या लिखा? प्रिंसिपल बुक में कैश बुक को भी इंक्लूड किया है। यस नो? क्यों? वही डिस्कस किया हमने कि बेटा जो आपका कैश बुक है वो प्रिंसिपल बुक भी है और वो आपकी सब्सिडरी बुक भी है, वो दोनों का काम करती है। क्या करती है? वो दोनों का काम करती है, आपकी कैश बुक का भी काम कर, आपकी प्रिंसिपल बुक का भी काम करती है और आपकी सब्सिडरी बुक का भी काम करती है। तो इसलिए क्या हुआ, ठीक है, देखो विष्णु ने पूछा है, सर क्या सब्सिडरी बुक के कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? देखो डिसएडवांटेज अगर आप सोचोगे तो क्या हो सकते हैं, एक तो जहाँ पे जर्नल एक ही बंदा रिकॉर्ड कर रहा था, सब्सिडरी बुक रिकॉर्ड करने के लिए अब आपने ज़्यादा अकाउंटेंट्स रख दिए, ठीक है। अगर आप अपने काम को डिवाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, काम को डिवाइड कर रहे हो, तो उसके डिसएडवांटेजेस नहीं होते, उसके मोस्टली एडवांटेजेस होते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ जी। देखो तो कैश बुक समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो इन्होंने वही सब चीज़ें लिखी हुई है कि जो आपका प्रिंसिपल बुक है वो कितने कितने टाइप का है, आपकी सब्सिडरी बुक्स कितने कितने टाइप की है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब बारी है कुछ प्रैक्टिकल की। किसकी बारी है? कुछ प्रैक्टिकल की। तो शुरू करेंगे सबसे पहले किससे शुरू करेंगे? हम परचेज बुक से शुरू करेंगे। आ जाओ। बहुत ही आसान है। क्या है आपकी परचेज बुक? जल्दी से देखो। सबसे पहले बस आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो परचेज बुक में आपको सिर्फ वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जो कौन सी है, क्रेडिट परचेजेस। एक चीज ये ध्यान रखना कि कैश ट्रांजेक्शन गलती से भी रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि सिर्फ गुड्स और सर्विसेज, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, सिर्फ गुड्स, गुड्स की डेफिनेशन में पता है, तो सिर्फ गुड्स रिकॉर्ड होने चाहिए, एसेट रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो परचेज बुक हम रिकॉर्ड करेंगे तो करेंगे कैसे? देखो बहुत ही सिंपल सा क्या होता है, इसका फॉर्मेट होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। देखो अगर हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे तो देखो कैसे बनेगा। ध्यान से सारे बच्चे, सबके पास पेन रजिस्टर होना चाहिए, सिर्फ देखना नहीं है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आराम से देखो, सबसे पहला कॉलम आपने बनाया डेट का। किसका बनाया? डेट का, कि भाई जिस दिन पे आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है परचेजेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है। अच्छा ठीक है राइट। आपने क्या बनाया इसके बाद? परचेज। अब बेसिकली पर्टिकुलर्स में आप क्या रिकॉर्ड करोगे? पर्टिकुलर्स में आप रिकॉर्ड करोगे कि आप सामान जो खरीद रहे हो, जो आप सामान खरीद रहे हो वो कहाँ से खरीद रहे हो, राइट। जो आपके क्रेडिटर का नाम है वो आएगा, अभी हम देखेंगे आपने क्या क्या खरीदा है वो आएगा, उसकी डिटेल्स आएंगी। अच्छा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो आपका आता है लेजर फोलियो का, जो आपको पता है आपको यूज करना होता नहीं है। अच्छा ठीक है। और लास्ट कॉलम आप बोल सकते हो, लास्ट भी नहीं बोलूंगा, सेकेंड लास्ट कॉलम बोलूंगा डिटेल्स का।
किसका आ जाएगा? डिटेल्स का। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ मैंने रिकॉर्ड किया डेट, अच्छा ठीक है, यहाँ मैंने रिकॉर्ड किया पर्टिकुलर्स, अच्छा ठीक है, यहाँ मैंने रिकॉर्ड कर लिया लेजर फोलियो, यहाँ रिकॉर्ड किया डिटेल्स डिटेल्स, और यहाँ आ गया आपका टोटल अमाउंट। क्या आ गया? टोटल अमाउंट, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मेट है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है कि भाई डेट आपको पता है डेट में क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर्टिकुलर्स आपको पता है, अभी आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर्स में क्या क्या आता है। उसके बाद लेजर फॉर योर डिटेल्स, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। सॉल्व हम खुद से करेंगे लेकिन इलस्ट्रेशन देख लो। हाँ जी देखो, क्या आपको इलस्ट्रेशन नंबर वन दिख रहा है एवरीबडी? क्या आपको इलस्ट्रेशन नंबर वन दिख रहा है? सबको दिख रहा है? ठीक है, सबको आराम से पहले फॉर्मेट बनाओ। जब तक आप फॉर्मेट नहीं बनाओगे मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, जब तक आप फॉर्मेट नहीं बनाओगे मैं स्टार्ट नहीं करूँगा। पहले मुझे बोलो कि हाँ सर हमने फॉर्मेट बना लिया है। अगर सिर्फ देखने आए हो तो बेटा कोई मूवी नहीं चल रही है, एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, सॉल्व करना पड़ेगा आपको खुद से, राइट? ठीक है, फॉर्मेट बना लिया, पहले मुझे बोलो। बन गया फॉर्मेट, बन गया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विष्णु, बहुत बढ़िया, सबका बन गया। अगर फॉर्मेट नहीं बनाओगे तो भाई नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। फॉर्मेट बनाओ, बना लिया, ठीक है ओके, बना लिया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन बच्चों को सीरियसली पढ़ना है उन्होंने बना लिया, ठीक है। अब देखो 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 ध्यान से मेरी बात सुनो, ओके, बहुत सारे बच्चों ने बना लिया। द रफ बुक आपको बेसिकली क्या दे रखी है? कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है Feb 1, 2020 की। क्या इन्फॉर्मेशन है? देखो पहली आपको ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपने क्या किया, ब्राउन एंड कंपनी से गुड्स परचेज करे ऑन क्रेडिट। जैसे ही आप कोई ट्रांजेक्शन देखोगे आपको दो चीज़ें चेक करनी है, क्या ये क्रेडिट परचेज है और क्या आपने जो परचेज करे वो गुड्स और सर्विसेज हैं। बेसिकली सर्विसेज तो नहीं, गुड्स है, ठीक है, राइट। आपने किया परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट 100+ ग्रॉस, अच्छा ठीक है, 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट 240 per dozen, अच्छा ठीक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, क्या है 10%, ऑल राइट। ये आपको दे रखी है, क्रेडिट परचेज है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये क्या है, बेसिकली आपका जो बिजनेस है, अगर आप सारी ट्रांजेक्शन को चेक करोगे तो आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस स्टेशनरी का ही है, बोलो हाँ या ना। जो आपका बिजनेस है वो एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली में स्टेशनरी का ही है, है ना। आपने देखो पहले पेंसिल्स परचेज करी है और फिर वन ग्रोस रजिस्टर, ये सब चीज़ें आपको दे रखी है, बात समझ में आती है? हाँ जी ठीक है, तो ये आपकी क्रेडिट है, बिल्कुल क्रेडिट है, हाँ जी है क्रेडिट, क्लियर है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो ये ग्रॉस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस। क्या किसी को पता है ग्रॉस का मतलब क्या होता है? क्या किसी को पता है ये ग्रॉस का मतलब क्या होता है? एवरीबडी, हाँ जी, ग्रॉस का मतलब किसी को पता है कि सर ग्रॉस क्या होता है? ग्रॉस में कितनी क्वांटिटीज होती है पता है किसी को? नहीं पता? डेप्रिसिएशन प्लस नेट, हर्षित बहुत बढ़िया, हर्षित बहुत बढ़िया, ठीक है राइट। अपराजिता को पता है, बेसिकली देखो एक ग्रॉस का मतलब होता है वन ग्रॉस इज इक्वल्स टू 12 dozen, क्या होता है 12 dozen, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए कि एक ग्रॉस अगर आपको बोले वन ग्रॉस इट मीन्स 12 dozen, 144 क्वांटिटीज, बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर नहीं पता था तो अब आगे से ध्यान रखना कि वन ग्रॉस इज इक्वल्स टू 12 dozen, अच्छा ठीक है। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करना है सर, रिकॉर्ड कैसे करना है वो बताओ। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, आपको कैसे रिकॉर्ड करना है, बहुत आसान है, लाइक वेरी वेरी इजी, ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम डेट में लिखेंगे, डेट कौन सी है, तो ये है 1st Feb 2020, क्या है 1st Feb 2020, तो यहाँ पे हमने लिखा 1st Feb, यहाँ मैंने लिखा 2020 Feb 1, ऑल राइट। आपको अब लिखना है कि आपने जो सामान खरीदा है वो कहाँ से खरीदा है, जो सामान आपने खरीदा है वो कहाँ से खरीदा है, तो वेंडर का नाम आएगा, किसका, क्रेडिटर का नाम आएगा। आपने यहाँ पे लिख दिया मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी, क्या आ गया ब्राउन एंड कंपनी, आपने इनसे परचेज किया है ना, इनसे परचेज किया, तो सबसे पहले आपने इनका नाम लिख दिया। अब इनसे क्या परचेज किया वो लिखना है, ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या परचेज किया, देखो देखो देखो, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखो क्या परचेज किया, सबसे पहले क्या है 5 ग्रॉस पेंसिल्स, मतलब 5 dozen pencils, ठीक है, 5 ग्रॉस पेंसिल्स
एट द रेट 100 प्लस ग्रॉस, 100 पर ग्रॉस। तो आपको जो 100 रुपीज़ का रेट दे रखा है वो एक ग्रॉस का ही है, 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो अगर आपने 5 ग्रॉस खरीदे हैं, क्या खरीदे हैं, 5 ग्रॉस खरीदे हैं, तो वो 500 रुपये के होंगे, बोलो हाँ या ना। वो कितने के होंगे, ऑफकोर्स आपके 500 रुपये के होंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो आपने खरीदा, क्या कह रहा, आपने जो खरीदा है, क्या खरीदा, 5 ग्रॉस पेंसिल्स। बहुत आसान है, देखो जो आपने खरीदा 5 ग्रॉस पेंसिल्स, 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट कितना था, एट द रेट 100 पर ग्रॉस। तो आपने यहाँ पे लिखा 100 पर ग्रॉस, राइट। और ये जो भी आपका अमाउंट आएगा ये आपको कहाँ लिखना है, डिटेल्स में, कितना हो गया सर 500, कितना हो गया 500। तो आपको हर एक आइटम के बारे में लिखना है कि ये आइटम आपने इतने का खरीदा। तो 5 ग्रॉस पेंसिल्स आपके 500 रुपये की आ गई, ईजी। सिमिलरली इसके बाद जो आपने खरीदा है, अब देखो इसके बाद आपने क्या खरीदा, अब देखो ये जो सेकेंड वाला है ना उसको ध्यान से देखना। इसके बाद उन्होंने बोला 1 ग्रॉस रजिस्टर, 1 ग्रॉस रजिस्टर, ग्रॉस का मतलब 12 डजन रजिस्टर एट द रेट ऑफ 240 पर डजन। अब इसको ना डिटेल या फिर या WKT क्या है ये, अमाउंट में नहीं, अमाउंट में नेट अमाउंट जाएगा, मैं भी बताऊंगा, ठीक है हर्षित बताऊंगा दोस्त, थोड़ा सब्र तो रखो, बताऊंगा, ठीक है टेंशन मत लो। हाँ जी देखो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। वन ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट 240 पर डजन, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि आपने कितने रजिस्टर्स परचेज करें, 12 डजन। ध्यान से मेरी बात सुन लो, क्या है, आपने कितने रजिस्टर परचेज करें, 12 डजन, कितने 12 डजन, और रेट क्या है 240 पर डजन, ठीक है। देखो 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 ध्यान से मेरी बात सुनो, 240 पर डजन। तो यहाँ आपका क्या आएगा, देखो यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 1 ग्रॉस रजिस्टर, 1 ग्रॉस रजिस्टर रजिस्टर एट द रेट कितना आपका 240 पर डजन, क्या लिखा था उन्होंने 240 पर डजन। अब अगर सबको समझ में आ गया है कि 1 ग्रॉस इक्वल्स टू 12 डजन, तो मुझे बताओ अब इसने कितने पेमेंट करनी है, इसने कितने पेमेंट करनी है, 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट 240 पर डजन, बताओ। प्रथम दोस्त डेथ का वीडियो आ ही रहा है, स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे गले से आवाज़ निकल नहीं रही है, ठीक है, नहीं तो मेरी आवाज़ आपको पता है कि बहुत हाई एनर्जी की होती है, आपको दिख रहा है कि मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही है। तो दोस्त वीडियोस पक्का आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लो। अब सब बच्चे क्या बोल रहे हैं, 2880, क्या बोल रहे हैं, 2880, कैसे सर कैसे, सिंपल है ना बेटा, अगर 240 पर डजन है और 1 ग्रॉस इक्वल्स टू 12 डजन, तो इसका मतलब एक डजन 240 का है, तो 12 डजन 240 मल्टीप्लाई बाय 12, यस और नो, 240 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज 2880। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एवरीवन, बहुत अच्छे, ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो क्या लिखा, इसके बाद उन्होंने लिखा ट्रेड डिस्काउंट 10%, लेस ट्रेड डिस्काउंट, बस यही लिखा है। तो ठीक है ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, पहले आप टोटल कर लो, डिटेल्स में ही क्या कर लो, डिटेल्स में ही टोटल कर लो कि भाई आपने कितने का सामान खरीदा। अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो ये एक बिल की तरह बन रहा है ना, कि भाई आपने ये सामान इतने का खरीदा, ये सामान आपने इतने का खरीदा, तो आपका टोटल अमाउंट कितना आ गया, टोटल आ गया 3380, ये आपका कितना आ रहा है 3380, राइट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी लिया है, ये सुनो, आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है, और आपको पता है कि भाई ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद ही आप अपने परचेजेस को रिकॉर्ड करते हो, जब आप अपनी परचेजेस रिकॉर्ड करते हो तो ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद तो आप यहीं पे दिखाओगे लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 338। भाई देखो 3380 का आपने सामान खरीदा, आपने गुड्स परचेज करे, उस पर 338 रुपीज़ का ट्रेड डिस्काउंट,
338, तो इसका अगर आप माइनस करोगे तो कितना 3042, और जो दोस्त 3042 है ना वो आप लिखोगे अमाउंट में। कहाँ लिखोगे? वो आपको लिखना है अमाउंट में। तो मेरी बात सुनो, अमाउंट में क्या जाना है? जो आपका एक्चुअली में परचेज का अमाउंट है। ये अमाउंट कौन सा है? परचेज अमाउंट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते, अगर आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते तो क्या आप मुझे बताओ क्या एंट्री रिकॉर्ड करते? अगर जर्नल एंट्री इसी ट्रांजैक्शन की, अगर यही ट्रांजैक्शन की आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी होती तो क्या एंट्री आप रिकॉर्ड करते? एवरीबॉडी बताओ मुझे फटाफट से। बोलो भाई बोलो, आप एंट्री क्या रिकॉर्ड करते हैं? जल्दी से मुझे बताओ। हाँ जी, देखो सिंपल, आपने गुड्स परचेज करे, बिल्कुल ठीक है, तो आप एंट्री क्या रिकॉर्ड करते थे? हर्षित बहुत बढ़िया, आप एंट्री रिकॉर्ड करते सर परचेज अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री रिकॉर्ड करते? परचेज अकाउंट आप करते डेबिट। और कितने अमाउंट से रिकॉर्ड करते? 3042। कितने से रिकॉर्ड करते? 3042 टू जो आपका क्रेडिटर है मैसर्स ब्राउन, मैसर्स ब्राउन कितने से? 3042 से। बोलो हाँ या ना, यही करते ना? बिल्कुल सही, तो बेटा वही कर रहे हो। बस परचेज बुक का फ़ायदा क्या होता है? परचेज बुक में आप डिटेल्स के बारे में लिखते हो तो आपको पता चलता है कि आपने क्या परचेज किया है, कितना परचेज किया है, कितना ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला, वो सब आपको पता चल जाता है। क्या आपको समझ में आया? जल्दी से बताओ कि आपको परचेज बुक कैसे बनानी है। अभी तो बचे हैं, अभी आई थिंक 2-3 ट्रांजेक्शन और है। यस, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं फटाफट से। आ जाओ, याद आ गया, 11th में किया था। बिल्कुल बेटा 11th में किया था आपने, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट जल्दी देखो, नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, अरे कहाँ चला गया ये, सॉरी। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, जल्दी आओ। अब देखो नेक्स्ट मुझे बताओ, नेक्स्ट बेसिकली क्या बोल रहा है वो? परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम द स्टेशनरी मार्ट 10 ग्रॉस एक्सरसाइज बुक 300 पर डजन। क्या इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए? यस एवरीबॉडी, क्या आप इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे? बोलो फटाफट से बोलो, क्या हम इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड करें? बिल्कुल सही सर, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है। क्या है? कैश ट्रांजैक्शन, दिस इज कैश ट्रांजैक्शन, इसीलिए आप इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो मैंने क्या बोला, आपको हमेशा दो चीज़ें चेक करनी है, एक क्या ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, दूसरी क्या आपने गुड्स परचेज करे हैं। अगर ये दोनों टिक हो रहे हैं, तो ठीक है, नहीं तो फिर आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, ये कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट देखो फटाफट से। नेक्स्ट बोल रहे हैं परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मेसर्स ऑफिस, क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे? क्या हम इसको रिकॉर्ड करेंगे? बोलो फटाफट से। यस, इसको रिकॉर्ड करें। क्या आपने कंप्यूटर परचेज किया है? क्या परचेज किया है? कंप्यूटर। होगा नहीं होगा? बिल्कुल सही प्रियांशी, हर्षित, विष्णु सर, नहीं होगा, नहीं रिकॉर्ड होगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे गुड्स परचेज नहीं करे हैं, आपने कंप्यूटर परचेज किया है। आपने क्या परचेज किया है? आपने कंप्यूटर परचेज किया है, और कंप्यूटर आपका एसेट है। आप कंप्यूटर खरीदने बेचने का बिजनेस नहीं कर रहे हो। अगर आप कंप्यूटर खरीदने बेचने का बिजनेस करते तो ठीक है, क्या लिखा है? ऑफिस यूज के लिए, तो इसलिए अगेन आप इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। बात समझ में आ गई? राइट, ठीक है। हाँ, विष्णु ने क्या बोला? बिल्कुल सही विष्णु, उन्होंने बोला कि सर ये एंट्री जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। कहाँ रिकॉर्ड होगी? जर्नल प्रॉपर में। बहुत बढ़िया, ठीक है। 4th February की एंट्री देखते हैं। 4th February परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी। हाँ जी, क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे? क्या हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे? एवरीबडी जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए? आपने क्रेडिट पे परचेज किया, हाँ, क्या किया? पेपर्स वगैरह, ये आपके गुड्स हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो जैसे हमने पहले वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी, बिल्कुल वैसे ही इसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, देखो
फेब फोर, जल्दी से अभी आपको खुद से करना है, ठीक है। फेब फोर आपने यहाँ पे लिखा, फेब फोर की ट्रांजेक्शन है, ठीक है ठीक है ठीक है। आपके वेंडर का नाम क्या है, आपके क्रेडिटर का नाम है द पेपर कंपनी, यही था ना, यही नाम था आई गेस, द पेपर कंपनी, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि आपने क्या क्या परचेज किया। देखो सारे बच्चे फटाफट से देखो क्या क्या परचेज किया है। आपने परचेज किए 5 reams, रीम्स मतलब वो बंडल सा आता है, ठीक है। 5 reams of white paper, 5 reams of white paper एट द रेट 100 per ream, अच्छा ठीक है। तो इसको रिकॉर्ड करेंगे, देखो फटाफट से। तो यहाँ पे आपने लिखा क्या, लिखा 5 reams, आपने लिखा 5 reams of white paper, राइट, 5 reams white paper, वाइट पेपर 5 reams, सबको मेरे साथ करना है, सिर्फ देखना नहीं है प्लीज। 5 reams white paper एट द रेट 100 per ream, 100 per ream, तो ये कितना हो जाएगा, 500। तो आपने क्या किया, आपने डिटेल्स में लिख दिया 500, ठीक है। इसके बाद आपने और भी बहुत कुछ परचेज किया है, बिल्कुल किया है, देखो देखो। फिर आपने परचेज किया 10 reams of ruled paper 150 rupees, 10 reams of ruled paper, देखो देखो, आ जाओ आ जाओ फटाफट से आ जाओ, 10 reams, तो यहाँ आपने लिखा 10 reams ruled paper, रूल्ड पेपर एट द रेट 150 per ream, एट द रेट 150 per ream, करेक्ट, 1500 रुपये, बिल्कुल सही, कितना 1500। बस इसके बाद और कुछ नहीं था, तो यहाँ पे आपने टोटल कर लिया 2000, ठीक है 2000। और यहाँ पे भी आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब ट्रेड डिस्काउंट का रेट हो सकता है हर ट्रांजेक्शन के लिए चेंज हो जाए, तो ढंग से चेक करते रहना। यहाँ पे 10% है, तो 10% आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% ट्रेड डिस्काउंट, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ऑल राइट। कितना आ जाएगा ये 200, तो इसका मतलब आपकी परचेजेस कितने की है, 1800 रुपीज़ की, कितने की है 1800, बिल्कुल सही, अमाउंट कॉलम, समझ में आ गया, 1800 रुपीज़ आपने कहाँ लिख दिया, अमाउंट कॉलम में लिख दिया। आई गेस अब सबको समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे करना। और मज़े की बात यह है कि परचेज बुक हो, सेल्स बुक हो, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सबका फॉर्मेट ऑलमोस्ट यही होता है, ठीक है, आपको ऐसे ही बनानी होती है, ठीक है। देखो फटाफट से, इसके बाद और ट्रांजेक्शन भी है, देखो, हाँ जी एक ट्रांजेक्शन और है, एक ट्रांजेक्शन और है, उसको भी फटाफट से देख लेते हैं। देखो देखो देखो, इजी है, ऑफ कोर्स मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कुछ मुश्किल नहीं है। देखो लास्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है, कि परचेज्ड 1 dozen books, परचेज 1 dozen gel pens, आपने जेल पेन्स परचेज करे हैं एट द रेट ₹15 each फ्रॉम मिसर्स वर्मा ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। अगेन क्या आपने क्रेडिट पे परचेज करे हैं, हाँ जी हमने क्या करे हैं, हमने क्रेडिट पे परचेज करे हैं। दूसरा, क्या आपने गुड्स परचेज किया है, हाँ जी क्या आपने गुड्स परचेज किया है, यस सर हमने गुड्स परचेज किया है। तो क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे, क्या हमें इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए सर, हमें इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। यस एवरीवन जल्दी से रिकॉर्ड करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। मेरा फॉर्मेट छोटा पड़ गया, आप लाइन्स वगैरह अच्छे से खींच लेना, ठीक है। 180,000 है सर, हिमांशु ने बोला 180,000, क्या है बेटा 180,000, क्या 180, अच्छा अभी का बता रहे हो, अभी का, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो 1 dozen gel pens, 1 dozen मतलब 12 gel pens एट द रेट 15 each, बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है। देखो हमने यहाँ पे लिखा जो आपकी डेट है, आपकी डेट कितनी है, Feb 5, तो आपने यहाँ पे लिखा Feb 5, यहाँ पे हम लिख देते हैं Feb 5, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा कि आपने किससे परचेज किया, ठीक है, नमस्ते निखिल नमस्ते, राइट, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है हिमांशु। देखो ध्यान से, यहाँ हमने क्या लिखा, मैसर्स वर्मा ब्रदर्स, आपने मैसर्स वर्मा ब्रदर्स से जो भी परचेज किया वो लिख देंगे। क्या लिखेंगे, हमने लिखा 1 dozen gel pens at the rate 15 each, at the rate 15 each, कितना आ जाएगा ये 180। क्या इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट है, नहीं, इसमें आपको इसमें क्या है ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, है ना, एक ही सामान आपने खरीदा है, तो यही टोटल अमाउंट आप क्या करोगे यहाँ पे लिख दो,
यही टोटल अमाउंट आपने यहाँ पे लिख दिया। क्या यहाँ तक सबका हो गया एवरीबडी? क्या यहाँ तक सबका हो गया? फटाफट से मुझे बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, क्या यहाँ तक आपका सबका हो गया? यस सर, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमने परचेजेस का टोटल करना है। क्या करना है? परचेजेस का टोटल करना है। देखो 3042 प्लस 1800 प्लस 180, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल, क्या लिखा मैंने? टोटल 5022। ये मेरा क्या है? ये मेरी क्रेडिट परचेजेस का टोटल है। दिस इज क्रेडिट परचेजेस का टोटल, करेक्ट है? ध्यान से मेरी बात सुनो, यहां तक सबको समझ में आके कैसे बनानी है, ठीक है? जल्दी से मुझे बताओ, एकलव्य 12 बजे ट्वेल्थ की क्लास थी, 11 बजे एकलव्य, वो कल है बेटा, आज नहीं है, कल है एकलव्य। ध्यान से देखो बेटा, लाइव स्ट्रीम कल है उसकी। हाँ जी 5022, बात समझ में आ गई? यस yes, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। 5022 के बाद मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, इसको जब मैं लेजर पोस्टिंग करूंगा, मतलब जब मैं परचेस अकाउंट में डालूंगा, ध्यान से सुन लो, जब मैं परचेस अकाउंट में इसको पोस्ट करूंगा, ऑफ कोर्स सब्सिडरी बुक है, सब्सिडरी बुक से आपने जो भी रिकॉर्डिंग करी है वो आप क्या करोगे, उसको आप परचेस अकाउंट में डालोगे। तो ध्यान से सुनो, परचेस अकाउंट में कैसे डलेगा? देखो देखो देखो, आपको पता है परचेस अकाउंट में क्रेडिट परचेजेस की ट्रांजेक्शन भी आएंगी और कैश परचेजेस की भी आएंगी। तो पहले हम क्या करते हैं, हम डालते हैं क्रेडिट परचेजेस। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, एक छोटा सा मैं यहाँ पे फॉर्मेट बना लेता हूँ, छोटा सा मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बना लिया। कैसे हमें पोस्टिंग करनी है वो सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, ध्यान से मेरी बात सुनो, कैसे करेंगे पोस्टिंग? देखो ये हमारा परचेस अकाउंट है, दिस इज आर परचेस अकाउंट, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब देखो जो आपको परचेस अकाउंट में लिखना है, आपको परचेस अकाउंट में टोटल परचेजेस लिखनी है 5022 की, कि भाई ये मेरी क्रेडिट परचेजेस है। अब मैं परचेस अकाउंट में दोबारा से क्रेडिट परचेजेस वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड तो नहीं करूंगा ना, सुन लो मेरी बात ध्यान से। आपने क्या किया, जितनी भी आपकी क्रेडिट परचेजेस थी वो सारी की सारी परचेज बुक में डाल दी, वो सारी की सारी आपने क्या करी, परचेज बुक में डाल दी। अब परचेस अकाउंट में मुझे बस उसका टोटल ही लिखना है, क्या लिखना है, उसका टोटल ही लिखना है, मुझे अलग से डिटेल्स दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे परचेस अकाउंट में डिटेल्स दिखाने की जरूरत नहीं है। यही तो हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट है कि भाई मुझे अलग से नहीं दिखाना। मैं अब क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि भाई देखो ये मेरी टोटल क्रेडिट परचेजेस है, क्या है, टोटल क्रेडिट परचेजेस है, और पर्टिकुलर से मैं लिखूंगा टू अमाउंट एज पर परचेज बुक, टू अमाउंट एज पर परचेज बुक, जो मेरे परचेज बुक में आ रही है। अगर आपको इस 5022 की डिटेल्स जाननी है तो बेटा मैंने डिटेल सारी की सारी यहाँ पे लिखी है, देखो कि मैंने ब्राउन से कितना परचेज किया, पेपर से कितना परचेज किया, वर्मा से कितना परचेज किया, वो सब वहाँ डिटेल्स है, सब कुछ है। तो मुझे बस परचेज अकाउंट में क्या करना पड़ा, बस मुझे परचेज अकाउंट में टोटल अमाउंट लिखना पड़ा, मजे की बात है, राइट। और बाकी जो कैश परचेजेस होंगी वो तो आएंगी, लेकिन क्रेडिट परचेजेस आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी, तो मेरा क्या हुआ, 5022 परचेज अकाउंट में आ गया। जल्दी से मुझे बताओ कि आपको समझ में आया कि आपको पोस्टिंग कैसे करनी है? यस एवरीबडी, क्या आपको समझ में आया आपको पोस्टिंग कैसे करनी है, जल्दी से मुझे बताओ, क्लियर है एवरीबडी? जल्दी से बताओ मुझे परचेज अकाउंट, यस। देखो अगर आपको परचेज अकाउंट समझ में आ गया सर, सिंपल था, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपने ये जो मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी लिखा है, ये आपका कौन है? ये आपका क्रेडिटर है। कौन है आपका? आपका क्रेडिटर है। भाई इसका अकाउंट भी तो बनता है, बनता है या नहीं बनता? लेजर तो सबका ही बनता है। तो मान लो मैंने किसी एक का अकाउंट बनाया, ठीक है, मान लो मैंने वर्मा का अकाउंट बनाया। किसका अकाउंट बनाया? वर्मा जी का अकाउंट बनाया। तो मैंने लिखा वर्मा, रुको रुको रुको, वर्मा जी का बनाते हैं, अब चलो ब्राउन का बनाते हैं क्योंकि उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी था ना, ब्राउन एंड कंपनी। मैंने ब्राउन एंड कंपनी का क्या किया, अकाउंट बनाया। मैं एक रफ सा अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना आप, एक रफ सा अकाउंट बनाता हूँ मैं। देखो देखो देखो, मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि सब्सिडरी बुक्स में से आपको लेजर में पोस्टिंग कैसे करनी होती है। मान लो ये ब्राउन अकाउंट है,
मुझे एक बात बताओ, पहले तो सोच समझ के बताना, सोच समझ के बताना कि ब्राउन एंड कंपनी के डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी या होगी क्रेडिट साइड पे। एवरीबॉडी सोच समझ के मुझे बताओ, डेबिट साइड पे पोस्टिंग करोगे या क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे? हाँ जी फटाफट से बताओ भाई, ब्राउन एंड कंपनी के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करूं या क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूं? जो भी आपने परचेजेस करी है वो मैं किस साइड पे रिकॉर्ड करूंगा, बोलो। हर्षित ने बोला सर क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा हाँ जी, बाकी लोग प्रजित ने बोला सर क्रेडिट साइड। बाकी जल्दी से बताओ मुझे, सब बच्चों का आ गया सर क्रेडिट साइड पे। क्यों भाई, क्रेडिटर है। आप जब एंट्री करते थे, जब आप जर्नल एंट्री करते थे तो आप क्या करते थे? परचेस अकाउंट डेबिट टू आपका क्रेडिटर। आप एंट्री तो यही करते थे ना, बोलो ये सुनो, आपकी एंट्री तो यही होती थी कि परचेस अकाउंट आप डेबिट करते थे टू आपका क्रेडिटर। तो बेटा क्रेडिटर तो क्रेडिट ही होगा, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें जो आप पोस्ट करोगे वो कितना अमाउंट पोस्ट करोगे? जो टोटल अमाउंट है कितना है? 3042 है ना भाई। परचेस का अमाउंट तो यही है ना, परचेस का अमाउंट तो यही है 3042। तो बेटा क्रेडिटर में जैसे आप पोस्टिंग करते थे आपको वैसे ही करनी है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे बाय परचेजेस अकाउंट, जो आप यहाँ पे लिखते थे आपको वही करना है 3042। इसमें क्यों अलग होगा? इसमें तो अलग करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका क्रेडिटर है, आपने इससे परचेज किया तो 3042 आपने यहाँ पे लिख दिया। क्या हमने कुछ अलग किया? नहीं। बस आपको इसका ध्यान रखना है कि जिस पर्पस की आप सब्सिडरी बुक बना रहे हो, जैसे परचेज की बना रहे हो, सेल्स की बना रहे हो, तो उसके लेजर में पोस्टिंग कैसे होनी है, बाकी और कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं होना है। जैसे जर्नल में होता था बिल्कुल वैसे ही, एग्जैक्ट वैसे ही आपको करना है, ठीक है? तो परचेज अकाउंट बिल्कुल वैसे ही आपने किया, बात समझ में आ गई, राइट? बस ये आपको ध्यान रखना है कि आप क्या लिखोगे, टू अमाउंट एज पर पासबुक या एज पर पासबुक या सेंड्रीज अकाउंट, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। बस आपको क्या लिखना है? टोटल अमाउंट लिखना है, बाकी किसी भी और क्रेडिटर के लेजर में कोई डिफरेंस नहीं है। जो आप जर्नल में करते थे आपको वही करना है। सिमिलरली जैसे आप करोगे पेपर कंपनी का तो वहाँ बाय परचेजेस 1800, वर्मा ब्रदर्स का तो बाय परचेजेस 180। हाँ जी, क्या आपको लेजर पोस्टिंग समझ में आ गई है एवरीबडी? किसी को यहां तक कोई भी डाउट है परचेज बुक के? अभी हमें को एक क्वेश्चन और करवाना है, परचेज बुक का एक क्वेश्चन और करना है। मुझे बताओ यहां तक आपको समझ में आ गया? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? यस एवरीवन, जल्दी से मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है? नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मुझे आपको परचेज बुक का एक क्वेश्चन और करवाना था, लेकिन ऑनेस्टली मुझे लग नहीं रहा कि मैं अभी और बोल सकता हूँ, ठीक है, राइट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगा था कि शायद मैं पूरी क्लास ले पाऊँगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है और, राइट? ठीक है, तो मैंने आपको सब्सिडरी बुक का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, सब्सिडरी बुक मैंने आपको पूरा समझा दिया है, परचेज बुक आपको कैसे बनानी है मैंने आपको वो भी समझा दिया है, परचेज बुक मैंने आपको समझा दी है, परचेज अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करनी है मैंने आपको वो समझा दी है। अब जितनी भी आप आगे बुक्स बनाओगे, ऑलमोस्ट सारी की सारी बुक्स आपको क्या करनी है? इसी फॉर्मेट में बनानी है। मैं आपको करवाऊंगा मैं आपको, लेकिन आज और कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, राइट? ठीक है, राइट? आप क्या करना, आप मेरी बात सुनो, आपको क्या करना है, आपके पास स्टडी मटेरियल है ना, स्टडी मटेरियल में परचेज बुक के इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस दोनों हैं, इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस दोनों हैं, ठीक है, राइट? उनको ट्राई कर लेना खुद से, एक बार खुद से ट्राई कर लेना, उसकी थ्योरी को रीड कर लेना, पिछले वाले जो हमारे चैप्टर्स हो गए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? होपफुली जल्दी से हम प्रॉपर 1.5-2 घंटे की क्लास शुरू करेंगे। मुझे लगा था कि आज हम कर लेंगे 1.5 घंटे की क्लास, लेकिन मुझसे और बोला नहीं जा रहा और मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो जाऊँ, राइट? ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, टेंशन मत लो, सिलेबस आपका टाइम पे कंप्लीट होगा, धीरे धीरे हम क्लासेस को 2-2.5 घंटे की भी कर देंगे, ठीक है? टेंशन मत लो। कौन कौन से इलस्ट्रेशन है गोयल? देखो जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर
इलस्ट्रेशन नंबर वन एक बार आप दोबारा से खुद से ट्राई करना। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर टू है, ये देखो ये बुक आपको दे रखी है, इलस्ट्रेशन नंबर टू है। इसमें बस एक कॉन्सेप्ट है फ्रेट का, ठीक है, फ्रेट का कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको करवाना है, वो मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन मत लो, राइट, ठीक है। तो यहाँ तक आप कर लेना। अगर आप देखोगे आगे सेल्स बुक तो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो मैं आपकी एक क्लास और लूँगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आई मेक श्योर कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सब्सिडरी बुक्स कंप्लीट करवा ही दूंगा। एक क्लास और लूँगा मैं आपकी, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सब्सिडरी बुक का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। ऑल राइट, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर आज चलते हैं। निवास ऑफलाइन क्लासेस दोस्त चलती है मेरी, बिल्कुल चलती है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, ठीक है, आई टेक केयर, डोंट वरी, आई टेक केयर माय सेल्फ, ठीक है, चलें फिर, ओके ओके ओके, बाय 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 एवरीवन, ठीक है, जल्दी मिलते हैं, टाटा। चलो चलो, ओके ओके, बाय।